सांसद ने चौटाला परिवार पर कसा तंज। हरियाणा के सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने चौटाला परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नाम के पीछे चौटाला लगा लेने से कोई गांव तरक्की नहीं कर जाता, इसके लिए काम करना पड़ता है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का पूरा परिवार अपने नाम के पीछे अपने पैतृक गाँव का नाम लिखते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी चौटाला गाँव से ही है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष का सीएम मान पर आरोप। पंजाब सीएम भगवंत मान के नीति आयोग की बैठक का विरोध करने के फैसले पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। दरअसल पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि आरडीएफ फंड न मिलने के कई कारण हैं। सरकार जब तक अपनी एनओसी नहीं भेजती तब तक अगला फंड नहीं आता है, ये अपनी गलतियों को छुपाते हैं। नीति आयोग की मीटिंग में न जाने का फैसला इसलिए है कि पीएम मोदी का विरोध करना और विपक्ष के साथ अपने आप को जोड़कर दिखाना है, साथ ही अरविंद केजरीवाल को खुश करना है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कांस्टेबल का पोस्ट। हमीरपुर जिले में कांस्टेबल के ट्वीट ने पुलिस महकमे की किरकिरी करा दी। छुट्टी नहीं मिलने की शिकायत कांस्टेबल वरुण वर्मा ने ट्वीट के माध्यम से आला अधिकारियों तक पहुंचाई थी। कांस्टेबल का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुमेरपुर थाने में तैनात बीट सिपाही मदन वर्मा ने जीवन राम के नाम से ट्विटर हैंडल बनाया हुआ है। मदन वर्मा की शिकायत थी कि 5 बार पेशी के बावजूद छुट्टी नहीं मिली। उसने सवाल उठाया कि कार खास को छुट्टी, मुंशी को छुट्टी, लेकिन बीट सिपाही को छुट्टी क्यों नहीं। ट्विटर पर मनोज वर्मा ने अपनी पीड़ा जाहिर की। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पप्पू यादव का तंज। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने शुक्रवार को पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 9 साल की सरकार हो गई लेकिन काम 9 महीने के बच्चे के बराबर भी नहीं हुआ। गोधरा कांड से जन्म हुआ और पुलवामा तक पहुंचा है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कभी चीन और अमेरिका के खिलाफ कभी नहीं बोलते, वे सिर्फ पाकिस्तान को गाली देते हैं। पीएम मोदी कभी विकास की बात नहीं करते हैं। मोदी सरकार महंगाई का मुद्दा भूल गई, जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों को भूल गई, भारत की इकोनॉमी भूल गई। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को बाबा रामदेव मिल गए, 2019 में इनको नए बाबा मिल गए, अब 2024 में फिर उनको एक नए बाबा मिल गए। आरजेडी विधायक अजय कुमार पर चलेगा हत्या का मुकदमा। अत्री विधानसभा के आरजेडी विधायक अजय कुमार उर्फ रंजीत यादव पर अब जेडीयू नेता सुमरिक यादव हत्याकांड का मुकदमा चलेगा। कुंती देवी की मृत्यु के बाद विधायक अजय कुमार उर्फ रंजीत यादव ने केस को निरस्त करने को लेकर हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने केस के निरस्त करने की अपील को रद्द करते हुए हत्याकांड का मुकदमा विधायक पर चलाने का आदेश दिया है। वहीं उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल द्वारा मामले की सुनवाई होगी। स्कूल की किताबों में छापे गए शिक्षा मंत्री के फोटो। आप विधायक आतिशी ने दिल्ली की शिक्षा मंत्री का पदभार संभालने के बाद से एमसीडी स्कूलों के निरीक्षण के साथ एमसीडी स्कूलों की भी व्यवस्थाओं को बदलने पर भी जोर दे रही है। उन्होंने एमसीडी अफसरों को कई निर्देश दिए हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री आतिशी पर बड़ा आरोप लगाते हुए यह कहा है कि उन्होंने अब शिक्षा व्यवस्था का भी राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्यालयों की किताबों पर शिक्षा मंत्री आतिशी की फोटो और संदेश को प्राथमिकता के साथ दर्शाया गया है। केजरीवाल ने किया नीति आयोग की बैठक से बायकॉट। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर विपक्ष का विरोध लगातार गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इमारत के उद्घाटन के विरोध में 21 पार्टियां एकजुट हो गई हैं। अब इस विरोध की चपेट में नीति आयोग की बैठक भी आ गई है। दरअसल कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार करने का फैसला किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा, अगर प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते तो लोग न्याय के लिए कहां जाएं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री गैर बीजेपी सरकार को भी काम करने दें। पीएम मोदी और प्रियंका गांधी झुलसाती धूप में बहाएंगे पसीना। मध्य प्रदेश में जून की झुलसाती और उमस भरी गर्मी में राजनीति का पारा भी उछाल मारने वाला है। इसका मुख्य केंद्र महाकौशल का एपिसेंटर जबलपुर होगा। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की चुनावी दहाड़ सुनाई देगी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच महाकौशल की 38 सीटों के बीच रस्साकशी होने वाली है। दोनों ही नेताओं के सामने महाकौशल के आदिवासी नेताओं को अपने पक्ष में करने की बड़ी चुनौती है।
बिग बॉस फेम गौरी नागौरी के साथ मारपीट। राजस्थान की मशहूर डांसर और बिग बॉस फेम गौरी नागौरी ने अपने जीजा और रिश्तेदारों पर मारपीट का आरोप लगाया है। 23 मई की रात उनके जीजा जावेद हुसैन ने दोस्तों के साथ मिलकर गौरी की टीम पर हमला बोल दिया। इसमें गौरी के मैनेजर सन्नी चौधरी और बॉडीगार्ड सोनू घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। गौरी का आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, उन्हें मेडिकल रिपोर्ट करवाने का बोला गया, जबकि हमने मेडिकल रिपोर्ट करवाई जिसमें मेरे मैनेजर और बॉडीगार्ड पर चोट लगने की जानकारी है। बीस लाख लीटर पानी बहाने वाले अधिकारी पर एक्शन। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक फूड अफसर का कारनामा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सेल्फी लेते वक्त जलाशय में गिरे मोबाइल फोन को ढूंढने के लिए फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास ने जलाशय का पानी ही सुखा दिया। इस मामले में कांकेर कलेक्टर ने अफसर को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले से छत्तीसगढ़ की राजनीति फिर से गर्मा गई है। मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच ट्वीट वॉर शुरू हो गया है। लेकर कह दी बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में एक नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। राष्ट्रपति की जगह पीएम मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने पर देश के 19 राजनीतिक दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की घोषणा की है। सभी ने इसे गलत बताया है। वहीं यह मुद्दा अब झारखंड में भी उठने लगा है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी को दलित आदिवासी विरोधी बताते हुए जनता के बीच जाने का मन बनाया है। पुल निर्माण में लगे वाहनों को नक्सलियों ने फूंका। झारखंड के लातेहार में एक बार फिर नक्सलियों का तांडव देखने को मिला। यहां पुल निर्माण कार्य में लगे कंस्ट्रक्शन कंपनी के वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। साथ ही नक्सलियों ने मजदूरों की पिटाई भी की। इस आगजनी में 4 ट्रैक्टर और 1 पोकलेन मशीन जलकर राख हो गई। वहीं मजदूर पूरी रात एक कमरे में डर कर बैठे रहे। भरकर महाराष्ट्र भेजे जा रहे थे मवेशी। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार जहां एक ओर गायों के संरक्षण के लिए गोधन न्याय योजना चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर जानवरों की तस्करी करने वाले तस्करी करके कत्लखाने ले जाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से सामने आया है, जहां 41 जानवरों की तस्करी करके महाराष्ट्र के बूचड़खाने ले जाते वक्त पुलिस ने 3 तस्करों को पकड़ा है। ये तीनों तस्कर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नए संसद के उद्घाटन पर शिवसेना ने छेड़ा नया सुर। नए संसद भवन के उद्घाटन पर मजेदार के बीच शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी पर ताजा जुबानी हमला बोला है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र करते हुए कटाक्ष किया गया है। संपादकीय में यह भी आरोप लगाया गया है कि पीएम मोदी संसद का उद्घाटन इस तरह कर रहे हैं मानो वह भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर हो। इतना ही नहीं, शिवसेना ने सरकार के उस कदम की आलोचना भी की है जिसमें नेता विपक्ष को उद्घाटन में निमंत्रण नहीं दिया गया है। नीति आयोग की बैठक पर बोले अमरिंदर सिंह राजावडिंग। पंजाब सीएम भगवंत मान द्वारा नीति आयोग की बैठक से बायकॉट करने के फैसले को लेकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावडिंग ने कहा, आज नहीं जा रहे पर कब तक नहीं जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे, क्योंकि उनके बिना राज्य नहीं चल सकता और उससे पंजाब का ही नुकसान होगा। ये एक राज्य नहीं बल्कि बाकी राज्यों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जो RDF नहीं दिया उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैठक में ही नहीं जाएं, बल्कि वहां जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। पुलिस वाले ने मासूम को मार दी गोली। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी राज्य में एक हैरान करने वाली घटना देखने को मिली है, जहां एक 11 साल के बच्चे को पुलिसकर्मी ने गोली मार दी। गोली मारने की वजह जान आप चौंक जाएंगे। दरअसल मासूम लड़के ने 911 पर कॉल कर पुलिस से मदद मांगी थी, जिसके बाद मदद करने पहुंचे पुलिसकर्मी ने गोली मार दी। गोली लगने से 11 साल का मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अब नाबालिग लड़का खतरे से बाहर है। यात्री ने खोल दिया फ्लाइट का इमरजेंसी गेट। दक्षिण कोरिया में शुक्रवार को एक भीषण विमान हादसा होते होते टल गया। यहां एशियाना
एयरलाइंस की एक फ्लाइट में एक यात्री के बीच हवा में विमान का आपातकालीन दरवाजा खोल दिया गया। यह घटना डेगू एयरपोर्ट पर लैंड करने से कुछ देर पहले की है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। AFP के रिपोर्ट के मुताबिक एशियाना एयरलाइंस की OZ-8124 फ्लाइट ने सुबह के समय जेजू आइलैंड से उड़ान भरी थी। डेगू एयरपोर्ट पर विमान लैंड करने ही वाला था, तभी किसी यात्री ने इमरजेंसी गेट खोल दिया। हालांकि किस्मत अच्छी रही कि विमान को सुरक्षित उतार लिया गया। इस दौरान कोई भी यात्री विमान से बाहर नहीं गिरा। जापान में 2 पुलिसकर्मियों समेत 4 की मौत। जापान में एक व्यक्ति को 2 महिला समेत 2 पुलिसकर्मी को जान से मारने के आरोप में तड़के शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। एक पुलिस प्रवक्ता ने AFP को बताया कि संदिग्ध को सुबह करीब 4:30 बजे हिरासत में लिया गया। पकड़ा के अपराधी राइफल और चाकू से लैस था। वो जापान के नाकानो शहर के घर में घंटों छिपा रहा था। स्थानीय टीवी में दिखाया गया कि संदिग्ध आरोपी आदमी अपने सिर पर हाथ रखे घर से बाहर निकलता है और पुलिस की गाड़ी में बैठ जाता है। पुलिस ने शुक्रवार सुबह आरोपी व्यक्ति को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के लिए एक अदालती वारंट हासिल किया था। इमरान खान एक फसादी का नाम है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने शुक्रवार को कहा है कि PTI अध्यक्ष इमरान खान ने प्लान के तहत देश भर में नफरत की राजनीति फैलाई। उन्होंने इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इमरान खान पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि इमरान खान एक फितना यानी फसादी का नाम है, जिसे अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो देश बर्बाद कर डालेगा। करारा तमाचा। भारत के जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 22 से 24 मई के बीच G20 पर एडजर्न बैठक की गई। इस बैठक को लेकर पाकिस्तान ने कड़ा विरोध जताया था। इसके अलावा चीन सहित सऊदी अरब ने भी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस्लामिक सहयोग संगठन के देशों ने जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में G20 पर्यटन बैठक में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, जो पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है, जिसने दुनिया के सामने भारत के बारे में गलत खबरें फैलाई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत पर कई आरोप भी लगाए थे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।